तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है गिव अवे देने का हमारे सब्सक्राइबर को पंकज भाई को, तो कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। और साथ में ये चॉकलेट भी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप लोगों को पता होगा मैंने गिव अवे रखा था न्यू लैपटॉप का कि मेरे इंस्टाग्राम पे जब 5 मिलियन हो जाएंगे तो मैं अनाउंस करूंगा। तो फाइनली मेरे इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन हो चुके हैं और आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ गिव अवे विनर न्यू लैपटॉप का, और मैं खुद अपने हाथों से देने जा रहा हूँ दिल्ली। तो गिव अवे विनर दिल्ली का है और मेरे को जाना भी था आज। आज मम्मी मामा और मामी को लेके हमारी शादी है वहाँ पे एक, तो खुद अपने हाथों से मैं देके आऊँगा ये लैपटॉप अपने एक सब्सक्राइबर को जो कि गिव अवे विनर है, आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं सीधा, मैं तो रेडी हो गया हूँ। मम्मी मामा मामी और साहिल भी जा रहे हैं साथ में। मम्मी मामा मेरे को छोड़ूंगा मैं शादी में, फिर निकलूंगा ये देने के लिए खुद। चलो, तो लैपटॉप के साथ में मैं एक चॉकलेट का डब्बा भी दे रहा हूँ ये वाला, तो चलते हैं ये दोनों चीज़ें दे देंगे सब्सक्राइबर को। तो जिस सब्सक्राइबर से मैं मिलने वाला हूँ, ऑब्वियसली उनसे मैं आज तक कभी मिला नहीं हूँ, तो उनका रिएक्शन देखते हैं मुझसे मिलके और गिफ्ट लेके। चले मम्मी? चलो। चले मामी? हाँ चलो। अम्मा तो मस्त हो रही है यहाँ पे, देखो मेरे साथ में साहिल आ रहा है बस। चलो भाई सुबह सुबह निकल गए, सुबह के 6 बज रहे हैं। मम्मी यहाँ बैठी है, मामा मामी पीछे बैठे हैं, साहिल पीछे बैठा है। गाइस सामने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा, देखो पूरा वाइट दिख रहा है, पूरा कोहरा हो रहा है सामने, ना राइट का दिख रहा ना लेफ्ट का दिख रहा ना सामने का दिख रहा। सामने वैसे गाड़ी दिख रही है, उसके पीछे चल रहे हैं हम आराम आराम से, सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, वो भी किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, हम भी उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं। भाई दिख ही नहीं रहा, टोल ही नहीं दिख रहा, कहाँ है टोल? अरे टोल कहाँ है? टोल ही नहीं दिख रहा, अब टोल ही नहीं दिख रहा। अरे ये रहा अब दिखा। बहुत ही खतरनाक फॉग हो रखा है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, बहुत स्लो चलना पड़ रहा है, बहुत स्लो, वो भी आगे वाली गाड़ी को देखते हुए। और हमको बहुत सारी गाड़ियाँ ठुकी हुई भी दिख रही हैं, बहुत एक्सीडेंट दिख रहे हैं, बहुत ठुके हुए दिख रहे हैं राइट लेफ्ट में, तो बहुत केयरफुली चलानी पड़ेगी, बहुत केयरफुली, क्योंकि अगर स्पीड में चलाई ना एक ठुकेगा फिर दूसरा ठुकेगा तीसरा ठुकेगा, ऐसे ठुकते हैं फिर चेन एक्सीडेंट होता है फिर। अरे गाड़ी आगे निकल गई, जल्दी ऊपर हो जल्दी। हाँ भाई कुछ भी नहीं दिख रहा यार, डर लग रहा है चलाने में भी। गई ये जो व्हाइट पट्टी है ना, इसको देख के चलो, कुछ लोग भी नहीं दिख रहे भाई, आगे लोग चल रहे ये भी नहीं दिख रहे थे, एकदम ध्यान लगा के देखना पड़ता है, कोई भी आ सकता है आगे एकदम से, तो बिल्कुल ध्यान लगा के चलने पड़ते हैं सामने रोड पे एकदम ध्यान लगा के, कि भाई कोई आ जाए तो ब्रेक मारनी पड़े एकदम से। कोई इंसान भी आ सकता है, कोई बाइक भी आ सकती है, कोई गाड़ी भी, कोई बस भी, कुछ भी आ सकता है। हमारी गाड़ी देखो 30-35 पे चल रही है हमारी गाड़ी, इतना तो पहली बार देखा मैंने, कभी कभी होता था ना कहीं कहीं पे, पूरे सफेद हो गया देखना। अब यहाँ और खतरा है, बिकॉज राइट से गाड़ी आ रही है, देखो अब तो ओवरटेक कर नहीं सकते, देखो कोई ट्रक आ रहा है, कोई ट्रक आ रहा है, भाई दिखाई नहीं, ये ट्रक तो दिखाई नहीं था। तो भी रुके यहाँ पे डीजल भरवाने के लिए और मम्मी वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन भाई कोहरे का बहुत बुरा हाल है। तो गाइस यहाँ पे रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, भूख लग रही है सबको। क्या खाओगे? जो तू खाएगा। आलू का पराठा? आलू का पराठा? यस आलू का पराठा। आलू का पराठा, हमारे दही और पराठा आ गए, मस्त खाते हैं, खाना तो हो गया, अब दवाई खाता हूँ मैं। चलो भाई मस्त खा पी के आ चुके हैं। गाइस ये थार देखो क्या मस्त लग रही है यार, है ना, मस्त लग रही है ना, अपनी थार खुलवा दे ऐसे ही। गाइस कमेंट कर बताना कि मुझे अपनी थार खुलवानी चाहिए नहीं खुलवानी चाहिए, अब तो मेरा मन भी कर रहा है, देख कितनी मस्त लग रही है ना सामने चल रही है मस्त। तो अभी दिल्ली पहुंच गए, रुके यहाँ पे मिठाई लेने के लिए, मिठाई लेते हैं और फिर चलते शादी वाले घर पे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, सामने जो टेंट लगा हुआ है ना वहीं जाना है, आप इंजॉय करना शादी में, हम आते हैं। यहाँ से बैग कैसे करेंगे? सीधी बैग, क्योंकि आगे तो गली बंद है। चलो भाई मम्मी को ड्रॉप कर दिया है, अब चलते हैं सीधा सब्सक्राइबर के पास में उनको उनका लैपटॉप देने के लिए। तो अभी पहुंचने वाले अपने सब्सक्राइबर के पास में, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से सब्सक्राइबर से मिल रहा हूँ, हमने एक जगह डिसाइड की थी कि वहीं मिलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, अभी सब्सक्राइबर आ रहे हैं पीछे। हाय। हेलो भैया, पंकज। हाय। कैसे हो? अब दो ही आए हो बस। ये है हमारे गिव अवे विनर पंकज, नोएडा से। कहाँ से हो बेसिकली? वैसे तो मथुरा से हैं, लेकिन अभी यहाँ नोएडा के पास रहते हैं, बासठ के पास। तो ये भाई मथुरा से है लेकिन रहते यहाँ पे हैं नोएडा में, तो मैंने बोला था यहाँ आ जाना मिलने के लिए मस्त। तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है गिव अवे देने का हमारे सब्सक्राइबर को पंकज भाई को, तो कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। और साथ में ये चॉकलेट भी है। अनबॉक्सिंग अभी करोगे या बाद में करोगे? अभी कर लेते। अभी करनी है? यहीं पर रख के कर। तो ये भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपने न्यू लैपटॉप की। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? नाइन्थ क्लास। अच्छा नाइन्थ क्लास में हो भाई, नाइन्थ क्लास में कितने साल के हो? मैं 15 साल का। फैमिली कहाँ रहती है? यहीं रहती है। भाई थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। हाँ बट कोई बात नहीं, अब मत हो, आपका ही है, नर्वस मत हो। नर्वस मत हो, खोल के दिखाई देता है, इसमें चार्जर वाजर सब नीचे है इसका। हाँ इसे टैब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। हाँ
टैब भी एक तरह से, इसको टैब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसको इस तरह से कर देना पूरा फोल्ड हो जाएगा, पूरा फोल्ड हो जाएगा, फिर इसके ये काम नहीं करेंगे, फिर आप टैब की तरह यूज़ कर सकते हो ये सब कुछ। इसको आप, आपके पास कौन सा फ़ोन, एंड्रॉयड है या एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हाँ फिर मतलब मस्त काम करेगा, सारे ऐप्स वगैरह काम करेंगे इसमें। वैसे क्या करोगे आप लैपटॉप से, आपने क्या सोचा है? हाँ क्या करोगे आप? एडिटिंग वगैरह ज़्यादा करता हूँ ना। अच्छा। तो वीडियोज़ वगैरह एडिट करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ तो सही है। अभी 9th क्लास में है तो उसके लिए सही है ना। सही है। अभी चलना है कुछ खाने पीने? चलना है, भूख लग रही है, देख लो चलना है तो चलो। मैं आपके लिए टाइम निकाल के लाया हूँ आज। और हाँ, जितने भी लोग नहीं जीत पाए, सॉरी गाइस, नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करना, और भी मस्त मस्त गिव अवे आने वाले हैं। होपफुली आप इस लैपटॉप को अच्छी तरह से यूज़ करोगे फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। तो अभी गाड़ी में बैठ गए चारों के चारों, अब चलते हैं कहीं पे बैठ के कुछ खाते पीते हैं थोड़ी देर। मेरे दोस्त मतलब ऐसे ही करते रहते थे पागलों की तरह, क्या करता रहता है ये, बार बार कमेंट करता रहता है तेरे को ही तो मिलेगा जैसे। अच्छा। और फिर मैं नज़रअंदाज कर देता था उन लोगों को। उन्होंने भी करी थी कमेंट, लेकिन एक दो कमेंट करी तो उनको नहीं मिल पाया। मैंने बहुत कमेंट करी इनके पास, मैसेज भी क्या, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस घर वालों को पता है, और मतलब हम व्लॉग में ही बताएंगे सबको। हमने सबको ये बता रखा है सरप्राइज आने वाला है, और सब ऐसे ही मतलब कर रहे हैं कुछ सरप्राइज नहीं है इनका। हाँ। ये क्या करेंगे ऐसे, हमें ही यकीन नहीं हो रहा वो कैसे करेंगे। भाई भी वीडियो बनाते, क्या नाम है आपके चैनल का? इडियट बंदा। इडियट बंदा, इडियट बंदा, ये नाम कहां से सोचा आपने? ये मतलब सोच लिया जैसा, मतलब नाम मिलते नहीं है ना ऐसे यूनिक से। तो गाइस जाके सब्सक्राइब कर दे रहे हैं इडियट बंदा को। तो हमारे छोले भटूरे आ गए, छोले भटूरे खाते हैं मस्त, साथ में हमारी लस्सी। ये दोनों इतने ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, खाना भी नहीं खाया जा रहा है इनसे। ये है पनीर डोसा, ये मसाला डोसा, और ये छोले भटूरे। आज खुशी का बर्थडे है, एडवांस में खुशी फोटो खींच मेरी फोटो पिया। ऑल द बेस्ट गाइस। चलो गाइस बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, तो जल्दी मिलते हैं पंकज भाई दोबारा से। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू। ओके ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय। ओके ओके टेक केयर, बाय बाय। चलो भाई अब हम भी चलते हैं। गाइस बिल्कुल सही सब्सक्राइबर को मिला लैपटॉप, वो थोड़े बहुत नर्वस हो रहे थे बात बात करने में, थोड़ी देर हम बैठे खाना वाना भी खाया, थोड़ी बातचीत की, तो हाँ काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो अब चलते हैं सीधा अपने घर पे। तो भी गाइस मैं दिल्ली वाले घर पे पहुंच चुका हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सब्सक्राइबर को गिव अवे देके। तो हाँ नेक्स्ट गिव अवे मैं सोच रहा हूँ आईफोन का रखूँ, अभी दो आईफोन का, तो हाँ दो आईफोन खरीदेंगे। तो जल्दी ही न्यू आईफोन का गिव अवे भी आने वाला है। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, मुझे बस गिव अवे देना था। अब मैं जाऊँगा तैयार होकर, मस्त शादी में जाएंगे हम, शाम को निकलेंगे, उसका मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा, सोचा बस फैमिली के साथ में, मम्मी को छोड़ दिया था मैंने, फैमिली के साथ में मस्ती करेंगे। फिलहाल मैं इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये दोनों इतने ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, खाना भी नहीं खाया जा रहा है इनसे। कैसे शरीर गर्म पड़ गया, कैसे गर्म पड़ गया? हाँ गर्म तो हो रहे हो, बुखार तो नहीं आ गया? नहीं।